मेथड एक, एलसीआर परिपथ, इंडक्टर, कैपेसिटर अने अवरोध धरावतो परिपथ। बराबर, आ मेथडनी अंदर अपनी पास अत्यारे क्वेश्चन 3A एनु सोल्यूशन आ वीडियो में मेळवानुं छे। जो क्वेश्चन शू आपेलो छे, मात्र इंडक्टर धरावता एसी परिपथ माटे एसी प्रवाहनुं सूत्र मेळवो। बराबर, मात्र इंडक्टर धरावतो परिपथ एसी परिपथ तमारे लेवानो छे अने एना माटे तमारे प्रवाहनुं सूत्र मेळवानुं छे। तो जो आया कि मात्र इंडक्टर धरावतो परिपथ अत्यारे मैं पहला मारे आटलू करवू जोशे, मात्र इंडक्टर धरावतो परिपथ मारे लेवो जोशे एसी परिपथ, पछी विचारशो कि प्रवाहनुं सूत्र कई रीतना एमांथी मळशे। तो पहला मात्र इंडक्टर धरावतो एसी परिपथ ए लेवो पड़शे, तो मैं नीचे लई लीधो छे। बराबर, मात्र इंडक्टर छे एने एसी प्राप्ति स्थान साथे जोड़ेल छे। बराबर, एटला मात्र एल धरावतो परिपथ थयो, आमां नथी कैपेसिटर के नथी अवरोध। हवे परिपथनो वर्णननो एक मुद्दो हूँ पहला लखी नाखू, पछी विचारीए कि एमां प्रवाहनुं सूत्र कई रीतना मळशे। जो वर्णन शुं करशो तो कि आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे अवगणीय अवरोध धरावता एक इंडक्टर ने, बराबर, अवरोध छे अवगणीय लेवानो छे, अवगणीय अवरोध धरावता इंडक्टर ने एक एसी प्राप्ति स्थान साथ जोड़ेल छे, अने एसी प्राप्ति स्थान नो जे वोल्टेज छे ए वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी छे। बराबर, तो पहले से जाइलो आवे वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। तो आटलू वर्णन पहला करी नाखू, पछी विचारू के प्रवाह कई रीतना मळशे। प्रवाह एटले स्मोल आई छे, एसी प्रवाह छे। तो पहला आ मुद्दो लखो। बराबर छे, आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे શું કર્યું છે આકૃતિમાં? તો કે અવગણ્ય અવરોધ ધરાવતા એક ઇન્ડક્ટરને એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન સાથે જોડેલ છે। वोल्टेज केटलो हशे? ए लखी नाखो, आ एसी प्राप्ति स्थान नो वोल्टेज वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी छे, अने ज्या वी एम एटले तो के नाम आप महत्तम वोल्टेज अथवा बीजू नाम छे वोल्टेज नो कंप विस्तार। रेडी, अने ओमेगा एटले कोणीय आवृत्ति, टी एटले समय। हवे मैं विचारो कि प्रवाहनुं सूत्र कई रीतना आपणने मळशे, एमांथी प्रवाहनुं सूत्र मेळवुं छे। तो प्रवाहनुं सूत्र, परिपथ मारी सामे छे जा, एमांथी एसी प्रवाह मारे मेळवानो छे स्मोल आई। तो जो आ बंधगाड़ो छे, विद्युत परिपथ छे, तो किरचोफना बीजा नियमनो उपयोग हूँ आमां करी शकीश। बराबर, बंधगाड़ा माटे तो किरचोफनो बीजो नियम छे, एनी मददथी कदाच मने प्रवाह मळशे। तो बंधगाड़ा माटे किरचोफनो बीजो नियम हूँ मूकी दऊं छुं। हवे जो एमां अहीं तो वोल्टेज है, विद्युत स्थितिमानो किरचोफनो बीजो नियम एवं कहे आपणने के तमारे आखा बंधगाड़ा में मुसाफरी करवानी, विद्युत स्थितिमानो जे फेरफार थतो होय तमारे नोंधतो जावानो अने मूल जग्याए पाछा आवो तो ए बधाईनो सरवाळो बराबर झीरो होय। तमा विद्युत स्थितिमानो फेरफार जे थतो होय नोंधवानो होय तो विद्युत स्थितिमानो फेरफार एक तो अहीं थाय वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी जेटलो, ज्यांथी प्रवाह निकळे सी छेड़ो प्लस होय, बीजो छेड़ो माइनस हो, धनध्रुव में प्रवाह निकले।
बीजो इंडक्टर नी माहिती आपणी पासे छठा चेप्टर नी अंदर आवी गई। आवो इंडक्टर हो ज्यांथी प्रवाह दाखल थाय ई छेड़ो प्लस, ज्यांथी बहार निकले ई छेड़ो माइनस। तो प्रवाह आ छेड़ाथी दाखल थाय एटले आ प्लस अने आ माइनस। अने इंडक्टर होय तो एना बे छेड़ा वच्चे विद्युत स्थितिमानो तफावत माइनस एल डी आई ना छेद में डी टी होय। आत्म प्रेरित ईएमएफ नाम आपता था आने, आत्म प्रेरित ईएमएफ, आत्म प्रेरण की घटना। एल एट आत्म प्रेरकत्व, तो डी आई छेद में डी टी ए प्रवाह में जी फेरफार, प्रवाह फेरफार। जो न खबर हो तो छठा चेप्टर व्यवस्थित करशो बराबर, तो यनी अंदर आ सूत्र आ जाए तैरू है एम बराबर। इंडक्टर बे छेड़ा वच्चे विद्युत स्थितिमान फेरफार अथवा तो प्रेरित ईएमएफ अथवा तो आत्म प्रेरित ईएमएफ न सूत्र एप्सिलॉन बराबर माइनस एल डी आई छेद में डी टी रेडियल। बे जगह विद्युत स्थितिमान फेरफार था तो आने किरचॉफ ना बीजो नियम हूँ मूकी दऊ तो एना उपर थी मने कदाच प्रवाह मळशे, एमां प्रवाह आवे ज छे। तो जो हवे आ बंद गाड़ा ने किरचॉफ नो बीजो नियम मुकता लो, अहींथी शुरुआत करूँ छूँ अहींथी। हेलो ऋण पर धन पर जाओ एट प्लस बराबर, विद्युत स्थितिमान फेरफार। ऋण पर बैटरी में ऋण पर धन पर जाए पाई एसी प्राप्ति स्थान है, ऋण पर धन पर जाओ एट ईएमएफ अथवा वोल्टेज जटो टूंक में वारो था एट प्लस। आम ले जाओ धन पर ऋण पर जाओ एट माइनस। के विद्युत स्थितिमान एप्सिलॉन बराबर एल डी आई छेद में डी टी, तो अँ आल डी आई छेद में डी टी अने स्मोल आई है कैपिटल आई नहीं, एसी प्रवाह है अँ डीसी प्रवाह नहीं बराबर, स्मोल आई। हलो फरी फरी मूल जगह पर आ गया तो आ फेरफार केटलो आवशे तो के जीरो। हवे में जो कि आ सूत्र में आटलू जी आवे माइनस एल डी आई ना छेद में डी टी छे शू तो के आत्म प्रेरित ईएमएफ छे। पछी स्मोल एल छे एमां, सॉरी केपिटल एल ए आत्म प्रेरकत्व अने एमां ऋण निशानी छे ई शू दर्शावे एमां लेंजनो नियम। लेंजनो नियम दर्शावे छे, लेंजनो नियम ए कदाच याद हशे। लेंजनो नियम एवं है कि आ ईएमएफ है ये उत्पन्न थाय तो एवी दिशा में उत्पन्न थाय कि जेने लीधे उत्पन्न थयो हशे एनो जी विरोध करे एवी दिशा में उत्पन्न थाय रेडी। एटले आ लेंजनो नियम दर्शावे छे। हवे आमांथी मारे प्रवाह मेळवो होय किरचॉफनो बीजो नियम मूको तो सूत्र मारी अगर आ प्रकारनो आव्यो। हवे आमांथी मारे प्रवाह आई मेळवो छे आनु सादु रूप आपो तो जो ए सूत्र में डी आई छेद में डी टी बराबर थशे केटलू अने पेली साइड एल प्लस पछी एल छेद में ले लो एटले वीना छेद में एल। मारे मत प्रवाह जोतो तो डी आई ने सूत्र नो करता बनाव तो वी एटले छे मारी अगर वी एम साइन ओमेगा टी अने छेद में एल छे ज अने आ बाजू आवशे डी टी। हलो मने प्रवाह फेरफार मिलो, प्रवाह तो न मिलो बराबर, विद्युत प्रवाह फेरफार मिलो तो मारा माथी प्रवाह जो तो विकलन मारे दूर करवू पड़े। विकलन दूर करवा माटे मारे बन्ने बाजुए संकलन करवू जोशे तो करो बन्ने बाजुए संकलन। आ बाजू नो भाग काढ़ नाखू छू, नाम आप दू समीकरण बी। तो पेलू समीकरण क्यों हतुं, तो पेलू समीकरण जी आ बाजू लिख्युं हतुं ने वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी ने एक नाम आपजो बराबर। बीजू समीकरण तो समीकरण बे में बन्ने बाजू
संकलन करता। एक अने डी आई संकलन आवड़व जो आ बाजू वी एम पची साइन ओमेगा टी छेद में एल अने डी टी हलो करी नाखो संकलन। संकलन न ख्याल आता संकलन मैं तमने आखू करेलू है एम टूं में प्रमाणित सूत्र जो लो अचल संख्या संकलन है के आया हो प्रमाणित सूत्र आप अगर यू के डी एक्स हो तो के एक्स थे लिमिट न हो प्लस अचड़ांक आए बराबर तो आ एक आई ने के हो तो के एक्स थे तो एक हो तो एक एक्स थे तो अँ एक आई नी सापेक्षे संकलन है के एक आई बराबर अँ वी एम अचल पची एल आई अचल टी वालू पची चल से तो साइन ओमेगा टी न संकलन के वी एम और एल अचल हो अचल संख्या कार्य मैं आग लई लीधु तो साइन ओमेगा टी न संकलन थे माइनस कोस ओमेगा टी અને ટીનો સહગુણક ટીની જગ્યાએ બીજું કોઈ પદ હોય તો ટીનો સહગુણક છેદમાં મૂકો વિકલન હોય તો ગુણાકારમાં મૂકતા હતા સંકલન હોય તો છેદમાં મૂકો આ સંકલન થયું સાઈન ઓમેગા ટીનું સંકલન પૂરું થાય ને અચળ બીજું કઈ જે સંકલનનો જે અચળાંક છે શૂન્ય લઈ લો ગમે લઈ શકો મેસની અંદર જે વ્યક્તિ સંકલન સંકલિતના ઉપયોગો કરતા હોય એને ખ્યાલ હોય કંઈ ઘણીવાર ટૂંકમાં લોગ વાળું લેતા હોય ઘણીવાર ટૂંકમાં એની ઘાતવાળું લેતા હોય ગમે અચળ લઈ શકે બરાબર છે હું અત્યારે અહીંયા આપણે અચળાંક છે એ નૈડા રાખશે અચળાંક છે એ શૂન્ય લઈ લો બરાબર આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં એ શૂન્ય લીધેલો છે તો આઈ બરાબર થશે કેટલું તો આઈ બરાબર થશે વી એમ પછી ઓમેગા એ લઈ લઉં ઓમેગા એલ પછી માઇનસ નિશાની અહીંયા આગળ કોસ ઓમેગા ટી હવે આપણું વોલ્ટેજનું જે સૂત્ર છે વી બરાબર વી એમ સાઇન ઓમેગા ટી પ્રકારનું છે આને સાઇનના સ્વરૂપમાં જ લખું છું કોસના સ્વરૂપમાં નહીં તો સાઇનના સ્વરૂપમાં કોટિકોણના સૂત્રનો ઉપયોગ કરું સાઇનના સ્વરૂપમાં લખું તો આ વી એમ છેદમાં ઓમેગા એલ અને લખવું હોય તો સાઇન पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी लखी सकू जो पाई बाय टू ए विधेय बदले कोस ओमेगा टी थे पेलू चरण एट प्लस आई गयु कोस ओमेगा टी बीजू आ ओमेगा एल एट इंडक्टर नो अवरोध है जेने इंडक्टिव रिएक्टन्स कहेवामां आवे छे इंडक्टिव रिएक्टन्स ओमेगा एल ने एक्सेल वडे हूँ दर्शाईश એટલે એક પ્રકારનો ઇન્ડક્ટરનો અવરોધ છે તો વોલ્ટેજના છેદમાં અવરોધ આવે તો પ્રવાહ હોય હજી સાદુરૂપ આપી દો માઇનસ હજી અહીં આપી દો તો વી એમ ઓમેગા ટી સાઇન માઇનસ અહીં આપી દઉં સાઇન વિધેય હોય ને તો એ અયુગ્મ વિધેય છે માઇનસ ટૂંકમાં એની બહારે નીકળી શકે અને બહારથી અંદર જઈ શકશે પણ કોસ હોય ને તો અંદરથી બહાર કાઢો તો એ પ્લસ થઈ જાય અને બહારથી અંદર જાઓ તો એ પ્લસ થઈ જાય એને યુગ્મ વિધેય કહેવામાં આવે છે ગણિતની ભાષામાં બરાબર કોસ યુગ્મ વિધેય છે માઇનસ ટૂંકમાં બહાર ન નીકળી હતી એ પ્લસ થઈને નીકળી જાય માઇનસ નિશાની બહાર કાઢો તો એ પ્લસ થઈ જાય પણ સાઇન અયુગ્મ વિધેય છે એમાંથી અહીંથી તમે માઇનસ સામાન્ય લઈ લો અને અહીંથી જ લઉં માઇનસ સામાન્ય એટલે ઓમેગા ટી પ્લસ થાય અને માઇનસ થાય માઇનસ અહીંથી બહાર નીકળી શકે માઇનસ માઇનસ અહીં શું થઈ જાય પ્લસ થઈ જશે બરાબર એટલે અહીંયા આવી જશે ઓમેગા ટી અને માઇનસ પાઈ બાય ટુ રેડી આ એક પ્રકારનો સોરી આ ઓમેગા એલ છે ઓમેગા ટી નહીં બરાબર ઇન્ડક્ટરનો અવરોધ કહેવામાં આવે છે અને ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ આપણે નામ આપવાના છે આના પછીના પ્રશ્નમાં જ આ ઓમેગા એલ અને અવરોધ જ છે આ તો વોલ્ટેજના છેદમાં અવરોધ વિના છેદમાં આર જેવું પરી પદ જ હોય તો આ ટૂંકમાં શું આપશે મને વિના છેદમાં આર એટલે તો કે આ આપે ઓહમના નિયમ અનુસાર અને મહત્તમ વોલ્ટેજ છે તો મહત્તમ પ્રવાહ આપે તો આઈ એમ સાઇન ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય ટુ રેડિયા વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર આપણને મળી ગયું માત્ર ઇન્ડક્ટર ધરાવતું પરિપથ હોય તો એના માટે પ્રવાહનું સૂત્ર આવું એવું રેડિયા અહીંયા પ્રશ્નનો જવાબ પૂરો થશે
હજી જુઓ, મારે હવે આના પછીનો જે ક્વેશ્ચન આવશે અહીંયા જ આપી દઉં. મારે ટૂંકમાં ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ સમજાવો. આવો ક્વેશ્ચન આવે છે, 3B ક્વેશ્ચન. તો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ એટલે ઓમેગા એલ, કે જેને ઇન્ડક્ટરનો અવરોધ કહેવામાં આવે છે. આની માહિતી આના પછીના પ્રશ્નમાં આપણે આપવાની થશે. હાલો આ ક્વેશ્ચન અહીં પૂરો કરું છું.